हे गाइस व्हाट्स अप, आई एम तुकरे डेट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस कैसे मेरी एडिट्स आर्मी, आई होप आप लोग हमेशा की तरह एकदम मस्ती होंगे। ओके गाइस, सो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं लाइट रूम के अंदर एक आप ग्रीन टोन, नेचर ग्रीन टोन कैसे अपने फोटो के अंदर दे सकते हो। कोई भी आपकी नॉर्मल सी बोरिंग सी फोटो होगी, आप उसके अंदर एक नेचर ग्रीन टोन जो कि बहुत ज्यादा डोप टोन लगता है वो आप कैसे दे सकते हो। तो आजकल मैं अपने इंस्टाग्राम पे जितने पिक अपलोड कर रहा हूं उनके अंदर मैं ये टोन दे रहा हूं, आप लोग काफी ज्यादा पसंद आ रही है। सो आप लोगों ने काफी लोगों ने डिमांड भी कर रहे थे कि इसके ऊपर वीडियो लेकर उसका प्रीसेट दो। तो गाइस भाई वीडियो लेके आप लोग डिमांड करो, तुम्हारा भाई वीडियो लेके ना, ऐसा हो नहीं सकता। सबसे पहले गाइस मैं आपको मैन्युअली करके दिखाऊंगा, देन गाइस मैं आपको इसके अंदर प्रीसेट यूज करके दिखाऊंगा। एंड प्रीसेट का लिंक मैंने आपको नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जिसने अभी तक डाउनलोड नहीं किया जल्दी जाओ डाउनलोड कर लो, ठीक है। सो गाइस अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी जाओ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहां पे मैं तरह तरह के एडिटिंग के टोन्स अपलोड करता रहता हूं, तो जल्दी जाओ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गो फॉर इट। ओके गाइस, तो गाइस सबसे पहले मैं अपनी फोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर ऐड करूंगा ताकि मैं इसके अंदर रिटचिंग कर सकूं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना, आपको गैलरी में अपनी फोटो ओपन करनी है, शेयर पे जाना, शेयर पे जाने के बाद आपको सिंपली गाइस ऐड टू एलआर कर देना एंड आपकी फोटो लाइटरूम में ऐड हो जाएगी। ओके सो अभी मैं यहां पर जल्दी से अपनी फोटो को लाइटरूम के अंदर ओपन कर लेता हूं। सो ऑल फोटो पे जाऊंगा, ये रही मेरी नॉर्मल सी फोटो। सो गाइस अब मैं इस फोटो के अंदर देने वाला हूं नेचर ग्रीन टोन जो कि काफी ज्यादा डोप होने वाला है, तो देखते रहिए वीडियो को। तो सबसे पहले गाइस यहां पे जाऊंगा, फोटो के कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज कर लूंगा, 32 परफेक्ट है, एंड शैडो को इंक्रीज करूंगा थोड़ा सा, शैडो को काफ़ी ज़्यादा कम है हमारी फोटो में, परफेक्ट है, एंड वाइट को कम करूंगा हल्का सा, एंड हाईलाइट को भी कम करूंगा क्योंकि मेरी जो शर्ट है काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट कर रही है, अगर मैं फिर आगे चल के कलर्स को छेड़ूंगा तो ये हाईलाइट बहुत ज़्यादा मतलब बेकार कर देगा मेरी फोटो को, तो मैं इसको अभी हाईलाइट को कम करता हूँ ऐसे, एंड परफेक्ट है, एंड ब्लैक को भी हल्का सा कम करना है ताकि हमारी फोटो के अंदर थोड़ा सा डार्कनेस लुक आए, थोड़ा सा बिल्कुल -15 परफेक्ट है, ठीक है। सो हम चलेंगे यहाँ पे निचल टूल पे टेम्परेचर पे। सो अब मैं फोटो की गाइस वाइब्रेंस को बढ़ाऊंगा क्योंकि हमारी फोटो में कलर्स काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि हम जब अपने कैमरे से फोटो क्लिक करते हैं तो कलर्स बहुत ही कम आते हैं। सो वाइब्रेंस को इंक्रीज करूंगा, मैं इसको लेके जाऊंगा यहाँ पे 49 तक परफेक्ट। देखिए हमारी फोटो में काफ़ी अच्छे कलर्स आ चुके हैं, एंड हल्का सा सैचुरेशन को इंक्रीज कर लेता हूँ, 6 परफेक्ट है। जो टिंट है टिंट को हल्का सा मैं माइनस में लेके जाऊंगा, -10 तक, क्योंकि हमें इस फोटो के अंदर देना है ग्रीन टोन, तो हल्का सा ये नीचे ग्रीन की तरफ ही लेके चलेंगे, -10 बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। तो देखिए बिफोर एंड आफ्टर अभी हमने फोटो में इतना सा करा है, इतना सा मतलब स्टेप कर दिए, काफ़ी बढ़िया हमारी फोटो हो चुकी है। सो गाइस मैं चलता हूँ यहाँ पे कलर मिक्स पे, देन यहाँ पे जाने के बाद गाइस सबसे पहले मैं फोटो की हल्की सी ल्यूमिनस को बढ़ाऊंगा अपने फेस की, ठीक है, एंड जो सेकंड कलर है वो भी हमारा फेस का होता है, उसको भी ल्यूमिनस को बढ़ाऊंगा ऐसे ताकि हमारा फेस बिल्कुल फेयर हो जाए। देखिए हमारा फेस ब्राइट हो चुका है नॉर्मली बिफोर एंड आफ्टर। ओके गाइस, सो गाइस मैं यहाँ पे जाऊँगा येलो कलर में, एंड इस येलो कलर की ह्यू को बिल्कुल ग्रीन पे ऐसे लेके जाऊँगा। देखिए ग्रीन टोन हो गया हमारा, देन इसकी जो है सैचुरेशन को भी ऐसे इंक्रीज कर दूंगा, परफेक्ट है, एंड फिर आपको ग्रीन कलर पे जाना है, एंड ग्रीन कलर को आपको कहीं भी नहीं छेड़ना, इधर आपको ह्यू बस हल्की सी प्लस पे लेके जानी, 26 लेके जानी बिल्कुल परफेक्ट, एंड हल्का सैचुरेशन बढ़ा देना है ऐसे। ये देखिए हमारी फोटो में कितने अच्छे ग्रीन टोन आने लगे, देखिए बिफोर एंड आफ्टर, बट रुको अभी सबर रखो, अभी और भी करके दिखाएंगे हम आगे। सो ये ह्यू है तो ह्यू को मैं हल्का सा माइनस में कर देता हूँ, ब्लू की सियान कलर की सॉरी, एंड ब्लू की भी हल्के से माइनस में करता हूँ ताकि थोड़ा सा जो हमारा ब्लू कलर है थोड़ा सियान लगे। देखिए बिफोर एंड आफ्टर काफ़ी बढ़िया लग रहा है, ल्यूमिनस को इतने रहने देते हैं, ठीक है, एंड इन दोनों कलर बेचारों को इनको छोड़ साइड में छोड़ देते हैं, इनको चुपचाप बैठे रहने दो, इनको हमें जरूरत नहीं कुछ छेड़ने की, ठीक है। सो हमारा यहाँ तक का काम हो गया, मतलब हमारे कलर्स का जितना भी काम था हमारा हो चुका है, बस हमें देना है इसके अंदर टोन। सो टोन देने के लिए गाइस हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाना है, ठीक है, शैडो में। तो शैडो में जाने के बाद गाइस आपको सबसे पहले इस फोटो में हल्का सा बिल्कुल लिटिल बिट ब्लू टोन देना है, तो मैं इसको ब्लू के पास ऐसे लेके जाऊँगा बिल्कुल ऐसा, देखिए काफ़ी बढ़िया लग रहा है। सो इस तरह से आगे थोड़ा सा छेड़ भी सकता हूँ मैं सैचुरेशन वगैरह, तो सैचुरेशन में इसकी रख दूंगा यहाँ पे 20 परफेक्ट है, ठीक है। सो अब मैं जाऊँगा यहाँ हाईलाइट में, देन हाईलाइट को मैं हल्का सा ग्रीन के पास लेके जाऊँगा ऐसे ताकि पूरी फोटो में हमारी जो ग्रीन कलर है वो हाईलाइट हो जाए ऐसे कुछ इस तरीके से, बहुत ही परफेक्ट लग रहा है। सैचुरेशन इसके हल्के से माइनस कर देते हैं, थोड़ा सा और माइनस कर देते हैं तो ज़्यादा ग्रीन लगेगा, परफेक्ट, एंड डन कर देना, ठीक है। सो हमारा इतना काम हो गया, अब हमारा काम होता है डिटेल्स का, तो हमें फोटो में डिटेल्स देने, तो डिटेल्स देने के लिए हमें यहाँ पे जाना है, विंगेट को ऐसे कम करना है, बिल्कुल परफेक्ट है। सो क्लियरिटी को तो अभी रहने देते, क्लियरिटी को यहीं छोड़ देते हैं, नीचे जाना है
फोटो में नॉइस रिड्यूसमेंट बढ़ाना है ताकि हमारी फोटो के अंदर जितना भी नॉइस है सारा खत्म हो जाए बिल्कुल प्यार से। तो गाइस अब मैं इस फोटो के अंदर बढ़ाऊंगा शार्पनेस। तो आप ध्यान रखें, कभी भी आप रीटचिंग करते हो तो शार्पनेस को जरूर इंक्रीज कर देकर ताकि आपकी फोटो बिल्कुल शार्प हो जाए एंड आपकी फोटो में जितने है एक HD लुक आए। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है, शार्पनेस को इंक्रीज कर देकर। यार को हल्का से इंक्रीज कर देता हूँ, ऐसे हल्का से नहीं काफ़ी करूँगा क्योंकि ज़्यादा जरूरत है मुझे इसके अंदर नॉइस मैंने ज़्यादा बढ़ा दी, देखिए कर दिया। एंड फोटो क्वालिटी देखो गाइस, मैंने आपको पूरी जूम करके दिया, फोटो क्वालिटी बिल्कुल कम नहीं हुई। यहाँ तक तो हो गया गाइस। सो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा हल्का सा फोटो में अंदर जो है लाइटिंग और चल लूँगा, कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज कर देता हूँ, ऐसे ज़्यादा हो गया ब्लैक को हल्का सा कम ऐसे। अब ये किस पे क्लिक हो गया, सॉरी ऑटोस पे हो गया था। ओके गाइस, सो गाइस ये हमारी फोटो पूरी अच्छी तरीके से एडिट हो चुकी है। सो गाइस अब मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखाने वाला हूँ, तो अब आप रिजल्ट देखना तुम्हारे भाई ने इतनी जल्दी क्या टोन दिया है देखना। बिफोर हमारी फोटो कुछ इस तरीके से, फोटो के अंदर याद आप देख रहे हो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा, कुछ कलर्स ही नहीं है यार, मतलब भद्दी लग रही है भाई। लेकिन अब देखो यार, बिफोर एंड आफ्टर यार। सो गाइस तुम देख ही सकते हो तुम्हारे भाई ने क्या मस्त टोन दिया इसके अंदर, बिफोर एंड आफ्टर इतने सारे जो जितने भी कलर्स हैं इसके अंदर सारे कलर पॉपअप हो गए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा डोप टोन लग रही है एंड बहुत ही अच्छे तरह की नेचर सी टोन आ रही है क्योंकि हमारे बैकग्राउंड इतना अच्छा है ना। ठीक है गाइस, तो अब मैं आपको बताऊंगा गाइस मैंने इसका प्रीसेट ही बना रखा है, दिक्कत मत लो। जो प्रीसेट यूज़र है, जो प्रीसेट यूज़ करके एक क्लिक के अंदर बहुत जल्दी एडिट करते हैं, उनके लिए मैंने प्रीसेट बना रखा है। तो अब मैं आपको बताऊंगा प्रीसेट कैसे यूज़ कर सकते हो। ओके सो अब मैं बैक जाता हूं। सो गाइस ये रहा इसका प्रीसेट, मैंने ऑलरेडी इस प्रीसेट को ऐड कर रखा है लाइटरूम के अंदर। ठीक है, तो इसको अब मैं क्या करूंगा, थ्री डॉट पे जाऊंगा, कॉपी सेटिंग पे जाऊंगा, इस प्रीसेट की हमें सारी सेटिंग को कॉपी कर लेना है। तो अब हमें क्या करना है गाइस, सिंपली हमें राइट क्लिक करना है, बैक जाना है। अब मैं ये वाली फोटो ओपन करूंगा, इसी में करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इस फोटो को नॉर्मल कर लेता हूँ, कहाँ गया ये ऑल। ठीक है, ये हमारी फोटो जो हो गई ओरिजिनल हो गई है। तो थ्री डॉट पे जाना है एंड अब आपका देखना गाइस एक क्लिक के अंदर क्या मस्त हमारी फोटो एडिट होने वाली है। तो देखिए एक क्लिक के अंदर देखिए हमारी क्या मस्त इसके फोटो के अंदर ग्रीन टोन डल चुका है, देखिए बिफोर एंड आफ्टर। तो आप यहाँ पर जाके इसको हल्का फुल्का मैनेज भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। ठीक है, अगर आप करना चाहो तो यहाँ पूरे जाके मैनेज वगैरह भी कर सकते हो अगर आपके फोटो में अलग अलग लाइटिंग हो तो। ऐसा नहीं है गाइस आपके एक प्रीसेट मारोगे तो वही सेटिंग रहेगी, आप चेंज भी कर सकते हो, देखिए बिफोर एंड आफ्टर एक क्लिक के अंदर क्या मस्त एडिट हुई। और क्या लोग यार, तुम्हारे भाई ने इतना बढ़िया प्रीसेट बनाया अपने एडिट्स आर्मी के लिए, जल्दी से यूज़ करो। सो अभी मैंने आज ये वाली फोटो अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड करी है, सो इसके अंदर मैं अभी ये वाला प्रीसेट को पेस्ट करके दिखाता हूँ। थ्री डॉट पर जाता हूँ, पेस्ट सेटिंग, देखिए एक क्लिक के अंदर क्या मज़ेदार हमारी फोटो के अंदर टोन आ चुकी। तो इसका हल्का सा एक्सपोजर इंक्रीज कर दूंगा एंड ऐसी अगर गाइस अपने हिसाब से फोटो में लाइटिंग वगैरह आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो, बाकी कुछ छेड़ने जाए जरूरत है नहीं। देखिए बिफोर एंड आफ्टर का बहुत ही बेहतरीन टोन आपकी फोटो के अंदर डल जाएगा। सो गाइस अब आपके ऊपर डिपेंड करता है ये टोन जो है किस तरह का टोन यूज करोगे एंड किस तरह का टोन देना चाहते हो। सो गाइस आई होप आपको जो मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड गाइस प्रीसेट का लिंक मैंने आपको नीचे दे रखा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहाँ पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस आई होप आपको जो मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी एंड गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो का लाइक जरूर कर देना एंड गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इसी तरह की बढ़िया बढ़िया वीडियोस तुम्हारा भाई लाता रहता है। सो गाइस अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी नहीं किया तो चाहो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहां पे हम लोग कनेक्ट रह सकते हैं एंड एक दूसरे से बात कर सकते हैं, स्टोरी वगैरह मैं वहां पे डालते रहता हूं। तो जल्दी जाए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले। तो गाइस चलिए चलते हैं, मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, कीप लविंग, कीप सो मच पीस, लव यू ऑल, बाय।